हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे झारखंड के 24 डिस्ट्रिक्ट में से एक रांची के बारे में। रांची जो कि झारखंड की राजधानी है, इसे सिटी ऑफ वाटरफॉल्स भी कहा जाता है। झारखंड की धरती रांची में कई महान लोग पैदा हुए, उनमें से एक थे बिरसा मुंडा जी। बिरसा मुंडा जी को झारखंड, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के आदिवासी इलाके के लोग भगवान की तरह पूजते हैं। जब झारखंड और बिहार एक हुआ करते थे, तब रांची को समर कैपिटल बनाया गया था। और 15 नवंबर 2000 को जब झारखंड बिहार से अलग हो गया, तब ये झारखंड का कैपिटल बना दिया गया। जहां तक रांची की बात करें तो यहां की पॉपुलेशन 32 लाख है, जिसमें अगर बात करें रेशियो की तो 1000 पुरुष पर 949 महिलाएँ हैं। यहाँ बोली जाने वाली भाषा है हिंदी, नागपुरी, मुंडारी, बंगाली, मैथिली, खोरठा, कुरमाली, मगही और भोजपुरी। और यहाँ मनाए जाने वाले त्यौहार इस प्रकार हैं: सरहुल, जगन्नाथ पूजा, कर्मा पूजा, जावा, टुसु पर्व, होली, दिवाली, दशहरा, सरस्वती पूजा, क्रिसमस, ईद, मुहर्रम। सभी धर्मों के लोग यहाँ आपस में मिल बांट कर त्यौहार मनाते हैं। अगर हम यहाँ के फेमस फूड की बात करें तो डुस्का, हंडिया, लिट्टी चोखा, मिर्ची का सालन, ये कुछ फेमस फूड है यहाँ के। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं रांची के फेमस प्लेसेस के बारे में, जहाँ पे आप घूम सकते हैं। ये कुछ टूरिस्ट प्लेस हैं जहाँ पर आप आराम से घूम सकते हैं और आपको काफ़ी पसंद आएगा ये सारे प्लेसेस। जैसा कि आपको पता है, इसे सिटी ऑफ वाटरफॉल्स बोला जाता है, तो इसी प्रकार यहाँ पे काफ़ी सारे वाटरफॉल्स हैं। दसम फॉल, हुंड्रू फॉल, चोन्हा फॉल, ये तीन वाटरफॉल जिनका नाम आप सुन रहे हो, ये तीनों तो फेमस वाटरफॉल हैं। इसके अलावा भी कई वाटरफॉल्स यहाँ पर स्थित हैं। और यहाँ पे जो घूमने के और प्लेसेज हैं वो है रुक्का डैम, जगन्नाथ टेम्पल, कांके डैम, रॉक गार्डन, नक्षत्र वन, पहाड़ी मंदिर, पतरातू वैली, रांची साइंस सेंटर, सीता फॉल्स, रांची स्टेट म्यूजियम, संत मैरीज कैथेड्रल एंड टेगोर हिल्स। ये कुछ फेमस प्लेसेज हैं रांची के। अगर आप कभी रांची जाओ तो ये सारे प्लेसेज घूमना बिल्कुल ना भूलना। इसके अलावा देवड़ी मंदिर, जो कि देवड़ी विलेज तमर में पड़ता है, आप वहाँ पे भी जा सकते हो। इसके अलावा सन टेंपल भी है, उसे भी आप घूम सकते हो। अब हम बात करते हैं रांची के कुछ फेमस पर्सनालिटीज़ की। MS धोनी, जिन्हें लोग माही के नाम से भी जानते हैं, यही भारत के इकलौते ऐसे कप्तान हैं जिन्होंने ICC की सारी ट्रॉफियाँ जीती हैं। नेक्स्ट हैं दीवा, जो कि पाकिस्तानी एक्ट्रेस हैं। इनका भी जन्म रांची में ही हुआ था और इन्हें लोग पाकिस्तान की मोना लिसा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है फिल्म एक्टर राजेश जैस, इन्हें आपने रवनी बना दी जोड़ी, रूही और भी कई मूवीज़ में देखा होगा। नेक्स्ट है मूवी एक्ट्रेस कोमल झा। उसके बाद है अंजना ओम कश्यप, जो कि न्यूज़ एंकर हैं। इनका भी जन्म रांची में ही हुआ है। नेक्स्ट है तीरंदाज में गोल्ड मेडल जीतने वाली दीपिका कुमारी, जिन्होंने 2010 के कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल जीता था। नेक्स्ट हैं फोक आर्टिस्ट और म्यूजिक कंपोजर नंदलाल नायक। नेक्स्ट हैं अनुष्का सेन, इनका भी जन्म रांची में हुआ है। आपने इन्हें बालवीर में देखा होगा, जो कि सब टीवी पे एक टेलीविजन शो आता था। इन्होंने एक और टीवी शो में काम किया है जिसका नाम था झांसी की रानी, और ये उसमें रानी लक्ष्मीबाई का किरदार निभा रही थी। और उसके बाद आते हैं राहुल त्रिपाठी, जो कि क्रिकेटर हैं। इन सारे लोगों का संबंध रांची से ही है, क्योंकि इन सारे लोगों का जन्म रांची में ही हुआ है और कुछ लोग बाद में रांची में आकर बस गए थे। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं रांची की ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के बारे में। चाहे हम बात करें रोड नेटवर्क की, या फिर ट्रेन नेटवर्क की, या फिर एयरवेज़ की, हर प्रकार से रांची जुड़ा हुआ है। जहां तक हम रेलवे स्टेशन की बात करें, रांची साउथ ईस्टर्न रेलवे का एक मेजर रेलवे स्टेशन है, जो कि काफ़ी अच्छे से कनेक्ट है हमारे अदर सिटीज़ से। और इस स्टेशन का कोड है RNC।
इस स्टेशन से 16 ट्रेन खुलती है और 16 ट्रेन्स का ही स्टॉपेज भी है यहाँ पर, और लगभग 20 ट्रेन्स यहाँ से पास होती है। और जहाँ तक ट्रेन नेटवर्क की बात करें तो ये पटना, गुवाहाटी, हैदराबाद, राउरकेला, जयपुर, अमृतसर, नागपुर, पुणे, गोरखपुर, धनबाद, रायपुर, पुरी, कटक, दुर्ग, अजमेर, जमशेदपुर, जम्मू, सूरत, बिलासपुर, न्यू दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, भुवनेश्वर, बेंगलुरु, विशाखापत्तनम, विजयवाड़ा और भी कई सारे जगह पे आपको सीधा लेकर जाती हैं। हटिया यहाँ का टर्मिनल स्टेशन है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें एयरवेज की तो रांची एयरवेज, यहाँ के एयरवेज का कोड है IXR और हमारे कई स्टेट्स के यहाँ से डायरेक्ट फ्लाइट्स है, जैसे कि पटना, बेंगलोर, दिल्ली, मुंबई, पुणे, गोवा, चेन्नई, जम्मू एंड कोलकाता। यहाँ से जो एयरलाइंस जाती है वो है एयर इंडिया, गोएयर, इंडिगो एंड जेट एयरवेज। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं रोड नेटवर्क की। और जहाँ तक रोड नेटवर्क की बात की जाए तो ये काफ़ी अच्छे से रोड नेटवर्क से भी कनेक्टेड है। नेशनल हाईवे 33 एंड 23 यहीं से पास करती है और रोड फैसिलिटी पैसेंजर और फ्राइट दोनों के लिए अवेलेबल है। और यहां से रेगुलर इंटरवल्स पे बस खुलती है जमशेदपुर, सिवान, राउरकेला, दुमका, बेगूसराय, वाराणसी, कोलकाता, खगौल, हाजीपुर, पटना और भी कई छोटे सिटीज़ की। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए इसके अंत में हम कुछ यहाँ के मॉल्स के बारे में बात कर लेते हैं जो कि यहाँ के फेमस मॉल्स हैं। न्यूक्लियस मॉल, जेडी हाई स्ट्रीट मॉल, स्प्रिंग सिटी मॉल, सिटी सेंटर मॉल, मॉल डिकॉर, मैक्स फैशन, गैलेक्सिया मॉल, ईस्टर्न मॉल, V2 एंड कैपिटल हिल। और दोस्तों, मैं कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स आपके सामने रख देता हूँ जो कि अगर आप रांची में कभी हो तो आप इन नंबर्स का यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों, आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो अगर आपको अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और इस तरह की और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।